नमस्कार, मैं रवीना एमएस न्यूज़लाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के कुछ ताजा खबर। नागपुर जिले में स्कूल बस ड्राइवर ही निकला एटीएम मशीन का चोर, कुल 7 चोरियों का हुआ भंडाफोड़। क्राइम ब्रांच ने बेहद गुप्त तरीके से मॉर्निंग वॉक करते हुए फिल्म स्टाइल में उक्त एटीएम चोर को धर दबोचा है। आरोपी का नाम हसनबाग निवासी जगदीश उर्फ गणेश शिव शंकर बाबरे बताया जा रहा है। कड़ी पूछताछ जगदीश ने अपने साथियों के साथ महाराष्ट्र समेत मध्य प्रदेश में कुल 7 एटीएम चोरियों की कबूली की है। वहीं दूसरी खबर सामने आ रही है, सावनेर में कार ने सड़क पार कर रहे युवक को ही रौंद दिया, हुई मौत। तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे परसराम इवनाते को बुरी तरह ही रौंद दिया, जहां वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। वहीं उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वही कार चालक अभी फरार है। वहीं तीसरी खबर सामने आ रही है, कामडे गांधा से अज्ञात शव बरामद हुआ है। समीपस्थ ग्राम गांधा परिसर में हाईवे पुल के समीप शनिवार की सुबह एक व्यक्ति का शव पाया गया। सूचना मिलने पर कामडे पुलिस का दल मौके पर पहुंचा। पुलिस निरीक्षक पाल के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष की दर्शाई जा रही है। शव को देख कर लग रहा था कि वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन त्याग रहा था। वहीं मृतक की शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।